महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नवाब मलिक को ईडी ने 23 फरवरी को सुबह उनके घर पर डॉन दाऊद इब्राहिम कास्कर के खिलाफ कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के बाद से बीजेपी लगातार नवाब मलिक के इस्तीफे की मांग कर रही है। महाराष्ट्र में पहली बार कोई मंत्री जेल के अंदर है फिर भी उनका इस्तीफा नहीं लिया गया, ये अप्रत्याशित है। वो जेल में गए हैं कोई छोटे मोटे आरोप में नहीं, तो सीधे दाऊद के परिवार के साथ साठ गांठ का आरोप है, दाऊद के परिवार से व्यवहार का आरोप है। मुंबई बम विस्फोट के आरोपी जिन्हें लाइफ इंप्रिजनमेंट हुई है, ऐसे आरोपी से जमीन खरीदी और जो जमीन किसी तीसरे की है उनको एक पैसा नहीं मिला है, और ये सारे व्यवहार में उन पर दबाव लाने के लिए 55 लाख रुपए ये हसीना पारकर को दिए, इस प्रकार की सारी चीजें रिमांड एप्लीकेशन में हमने देखी है। और ये मामूली बात नहीं है, उनको रिमांड देते हुए जज ने ये प्राइमा फेसी केस है इस प्रकार से अपने रिमांड के जजमेंट में भी लिखा हुआ है और रिमांड अलाउ किया है। ऐसे समय नवाब मलिक इनका इस्तीफा सरकार क्यों नहीं लेना चाहती? ये दाऊद समर्पित सरकार है, ये दाऊद शरण सरकार है, ये सरकार दाऊद के साथ जो रिश्तेदारी रखते हैं उनको बचाने के लिए एक आ रही है, इसीलिए हमने इसका विरोध शुरू किया है। और हमारी मांग है कि तुरंत नवाब मलिक इनका इस्तीफा लिया जाना चाहिए।